बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 की, और हमारा लेक्चर नंबर 10 है नेम स्पेसेस का। इसमें हम देखेंगे कि नेम स्पेसेस किस तरह से बनते हैं, पाइथन में उसको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, और उसके जो है वो स्पेसिफिकली उसके फंक्शंस क्या हैं, और किस तरह से हम उसे जो है वो वर्क में ला सकते हैं, और किस तरह से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेम स्पेस को देखते हैं। नेम स्पेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंटेनर और एनवायरनमेंट क्रिएटेड टू होल्ड द लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स। ठीक है, उसमें होता ये है कि जब भी हम एक स्पेसिफिक नेम स्पेस के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करें, तो वो बिल्कुल एक अलग अपना एनवायरनमेंट रखता है। उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ उतनी होती है जब तक वो प्रोग्राम रन कर रहा हो, सिर्फ उस वक्त तक जो है वो मेमोरी को अपने यूज़ करता है, और उसके बाद फिर वो उस मेमोरी को इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, तो अगर हम इस वेरिएबल के हिसाब से अगर हम देखें, तो जो उसका एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, ये उसके लिए बिल्कुल एक वर्ल्ड की तरह है, और उसने उसी में एग्जिस्ट करना है, और उसी में उसने ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम सेम वेरिएबल की बात करें, तो हम सेम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं डिफरेंट नेम स्पेसेस के साथ। ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि हमारा कंटेनर डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास जो है वो वेरिएबल सेम है। तो जब कंटेनर डिफरेंट हो और वेरिएबल सेम हो, तो ये आपस में इंटरफेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि नेम स्पेस इनके पूरे एनवायरनमेंट की तरह है, दैट्स वाई ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, इन सम केसेस दे मे इंटरफेयर, बट वो एक बहुत ही आगे की केस है, और उसको हम इंशाल्लाह आगे ही कवर करेंगे। ठीक है, अब हम देखें एक पॉइंट यहाँ पर है जनाब, लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट नेम स्पेस स्पेसिफाई द रूल्स दैट डिटरमाइन टू व्हिच नेम स्पेस एन आइडेंटिफायर और वेरिएबल बिलोंग। ठीक है, तो हमारा वो लैंग्वेज को भी, हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स हैं, पाइथन है, सी प्लस है, जावा है, तो उनमें जो नेम स्पेसेस स्पेसिफाई किए जाते हैं, उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि उसके वेरिएबल कौन से हैं, और कौन सा वेरिएबल कौन से नेम स्पेस के साथ ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपनी नेम स्पेसेस को दो हिस्से में। पहली है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ, और दूसरी है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले हम अपने देखते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ। यहाँ पर मेरे पास एक अदद एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, दैट इज़ जी ऑफ एक्स। फिर ये जो फंक्शन मेरा डिफाइन हुआ है, ये मेरा मेन नेम स्पेस में डिफाइन हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मैंने एक अदद वैल्यू दी है, दैट इज़ एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, और मेरे पास जो है वो एक अनदर मैं वेरिएबल डिफाइन करती हूँ, और वो है यहाँ पर मेरा नेम स्पेस है यहाँ पर जनाब, जो आप देख सकते हैं कि यह है a=3। ये जो मेरा नेम स्पेस है, ये हमारे पास मेन नेम स्पेस में डिफाइन हुआ है, और ये रिफ्लेक्ट करता है वैल्यू 3 को। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है जब मैं अपना सेकंड स्टेप देखती हूँ, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन जी को कॉल किया है, फंक्शन जी के अंदर एक पैरामीटर दिया है मैंने, दैट इज a। ठीक है, तो जब फंक्शन जी कॉल होगा, तो फंक्शन जी का एक अपना अलग ब्लॉक बन जाएगा, या आप ये कह लें कि इसका एक अपना अलग एनवायरनमेंट बन जाएगा, जिसके अंदर एक अदद वेरिएबल ने असाइन होना है। लेकिन जैसे ही हम इस स्टेप पर आते हैं, हमें ये पता चलता है कि इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन में एक्चुअली एक्स है, तो एक्स एक वेरिएबल आता है, जो कि हमें पहले से पता है कि जनाब मेन नेम स्पेस में जो है वो एक वैल्यू 3 थी, तो एक्स जो है वो अलॉट हो जाता है 3 पर। बट जब हम इस फंक्शन के अंदर आते हैं, और हम देखते हैं कि जनाब हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो है 5, तो x अगेन क्या होता है जनाब, x जो है वो रीलोकेट होता है, और रीलोकेट होकर ये 5 पर मैप हो जाता है। फिर जब हम प्रिंट की बात करते हैं, तो प्रिंट में आपके पास क्या है जनाब, फंक्शन आपका यहाँ पर प्रिंट में जो भी मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ वो प्रिंट होगा, दैट इज़ a, और a की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो सिंपली मेरे पास प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो है वो मैंने कोई और चीज़ डिफाइन नहीं की थी, कोई और ऐसा वर्किंग नहीं था, दैट्स वाई इसका मेरे पास कोई आउटपुट मौजूद नहीं है, जबकि आउटपुट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये मेरे पास एक अदद आउटपुट के तौर पर यहाँ पर मेंशन है। कंसिडरिंग अनदर एग्जांपल, यहाँ पर जो है वो आप रीलोकेशन और अच्छे से देख सकते हैं। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया मेन नेम स्पेस में, जो कि आप देख सकते हैं मेन नेम स्पेस में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जी ऑफ एक्स, जिसके अंदर एक अदद वैल्यू मैंने दी है x=4। ठीक है,
अच्छा अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास प्रिंट करती हूँ मैं एक्स, ये तो मेरा पूरा जो है वो लोकल नेम स्पेस में है, या आप ये कह लें कि एक वो नेम स्पेस जो कि मेन में डिफाइन हो रहा है, लेकिन किसके अंडर डिफाइन हो रहा है, फंक्शन जी के अंडर डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा मैंने मेन नेम स्पेस में एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 13 दी हुई है, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी ये होगा मेरा स्टेप नंबर वन। तो इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू 13 जो है वो अलॉट हो जाएगी। एक्स एक ब्लॉक है मेन नेम स्पेस में जिसकी जो है वो वैल्यू क्या है, वो है 13, ठीक है। जब मैं फंक्शन जी ऑफ एक्स को कॉल करती हूँ तो क्या होता है, चूंकि यहाँ पर भी एक्स है तो फर्स्ट इनिशियली ये कंसिडर करता है कि जनाब ये वही सेम एक्स है जो कि मेन नेम स्पेस में अलॉट हुआ था, तो ये क्या करता है एक्स को मैप कर देता है वैल्यू 13 के साथ। लेकिन जब हम इस फंक्शन को रन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अदद वैल्यू, यानी स्टेप फोर में आपको एक वैल्यू एक्स इक्वल टू 4 नज़र आ रही है, तो फिर ये क्या करता है, चूंकि ये फंक्शन की बात हो रही थी तो ये फंक्शन क्या करता है, अपने नेम स्पेस के हिसाब से अपनी वैल्यू को रीलोकेट कर देता है और पाइथन इंटरप्रेटर फिर इसको एलोकेट कर देता है वैल्यू 4। फिर हम बात करते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट अगर हम देखें तो जब हम इस फंक्शन पर स्टेप टू से जब हम जंप करके इस फंक्शन के अंदर गए तो यहाँ पर हमें एक अदद आउटपुट का फंक्शन दिख रहा है, दैट इज प्रिंट ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स कौन सा है, ये लोकल नेम स्पेस से ही आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है आपका 4 का ही आउटपुट आना है, ठीक है। तो पहला आउटपुट आपके पास ये आ गया, और मजीद हम आगे जाते हैं तो आपके पास ये प्रिंट का फंक्शन है। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू को सर्च करेगा कहाँ पर जनाब, ग्लोबल नेम स्पेस में, और ग्लोबल नेम स्पेस में मुझे ये वाली जो है वो वैल्यू दिख रही है, और ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर आउटपुट में शो हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आप चेंज जिसको कर सकते हो, जिसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की एक एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है h, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो कुछ डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर मैंने अपनी एक अदर लिस्ट बनाई है, ठीक है, फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, और लास्ट में मेरा प्रिंट का स्टेटमेंट है। जब ये फंक्शन रन होगा तो इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी स्टेप नंबर वन से, यानी ये लिस्ट जनरेट होगी। ये लिस्ट जो जनरेट होगी इसमें वैल्यूज जो है वो ये हैं लिस्ट की, और लिस्ट का नाम जो है वो है माई लिस्ट। तो ये माई लिस्ट जनरेट होगा मेन नेम स्पेस में, और इसके अंदर जो सारी वैल्यूज हैं वो आपके पास यहाँ पर मेंशनड है, ठीक है। फिर जब मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ माई लिस्ट के साथ, तो ये माई लिस्ट के साथ जब ये फंक्शन कॉल होता है दैट मीन्स कि ये चला जाता है फिर स्टेप नंबर 3 पर हो जाता है रीडायरेक्ट। जब हम इस स्टेप पर आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जनाब जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू को हमें 5 बनाना है, तो क्या होता है जनाब, ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे पास लास्ट में प्रिंट का एक ऑप्शन है, हमें प्रिंट में क्या चाहिए, माई लिस्ट चाहिए। लेकिन अब चूंकि माई लिस्ट इस फंक्शन को चलाने के बाद अपडेट हो चुकी है, दैट्स वाई जो मेरे पास आउटपुट आएगा उसमें आउटपुट में आपके पास 0th इंडेक्स पर 5 की वैल्यू होगी और बाकी सारी रिमेनिंग वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगी। ओके, अब हम अपने इसी फंक्शन को, इसी प्रोग्राम को हम मजीद मॉडिफाई करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है वो इनपुट में, अब मैं ये चाहती हूँ कि जनाब मेरे पास यूज़र वैल्यूज आ जाएं और कुछ जो है वो डिफरेंट हो, और यहाँ पर जो है वो हम पूरी वैल्यू को जो है वो मैप करें। तो अब देखें यहाँ पर मैंने एक अदद जो है वो फंक्शन डिफाइन किया है जो कि है लिस्ट इनपुट के नेम से। एक स्ट्रिंग मैं लेना चाहती हूँ जो कि मैं इनपुट ले रही हूँ, वो भी यूज़र से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यूज़र डिफाइन जो है वो इनपुट लिया है इसी स्ट्रिंग को, जो मेरे पास इनपुट आ रहा है इसे मैं स्प्लिट कर रही हूँ, यानी इसमें आने वाली तमाम वैल्यूज़ को मैं स्प्लिट कर रही हूँ किससे जनाब, विद रिस्पेक्ट टू कॉमास, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक अदद कॉमा रखा है, दैट मीन्स कि हर वैल्यू जो है वो इसके साथ स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास एक और लिस्ट है जो कि एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो रही है, और फिर मैं ये चाहती हूँ कि जनाब इसी लिस्ट के अंदर चीज़ें अपेंड हो जाएं, ठीक है। जैसे जैसे आई आइट्रेशन चलती जाए वैसे वैसे जो है वो यहाँ पर चीज़ें अपेंड होती जाएं, और रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, रिटर्न में मुझे ये जो अपडेटेड मेरे पास लिस्ट है ये चाहिए।
ठीक है। अब मैं अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती हूँ। एग्जीक्यूशन ये तो पूरा जो है वो मेरा फंक्शन है, ठीक है। एग्जीक्यूशन मेरी स्टार्ट होगी प्रिंट की स्टेटमेंट से। प्रिंट की स्टेटमेंट में ये तो आपके पास डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, और ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन मुझे ले जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद ये हो जाएगा मेरा स्टेप टू। जब मैं इस स्टेप पर आऊँगी तो मेरे पास एक क्या होगा जनाब, एक माई स्ट्रिंग की एक ब्लॉक जनरेट होना है। ये होगा कुछ इस तरह से, यूज़र ने इनपुट दिया मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4, और इस इनपुट को मुझे क्या करना है, मुझे डॉट स्प्लिट के फंक्शन से मैंने इस तरह का बना दिया है, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें होगा क्या। फिर हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप में आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट जनरेट होती है। ये एम्प्टी लिस्ट जनरेट होगी बिल्कुल ही एक अलग जगह, ठीक है। और ये एम्प्टी लिस्ट जनरेट होने के बाद क्या होगा जनाब, मेरे पास फॉर का लूप रन करेगा। जब जब फॉर का लूप रन करेगा, ये हर हर आइट्रेशन पर रन करेगा। और यहाँ पर कितनी आइट्रेशन होंगी, यूजर ने मुझे दिया है 4 इनपुट, ठीक है। तो 4 इनपुट के लिए 4 दफा जो है ये आइट्रेशन वर्क करेंगी, और एक एक करके वैल्यूज जो है वो इसमें अपेंड होंगी। यानी ये स्ट्रिंग का इनपुट था और मैं इसको इंटीजर बनाते जा रही हूँ, ठीक है। ये आप देखें एक एक करके जो है वो होगा अपेंड होगा, और अपेंड होने के बाद रिटर्न, अच्छा यहाँ तक जो है वो आपके पास अपेंड का फंक्शन चलता जाएगा जब तक आपके पास लास्ट एलिमेंट ना आ जाए। लास्ट एलिमेंट था मेरे पास 4, तो वहाँ तक जो है वो मेरे पास ये चला, और उसके बाद मेरी ये लिस्ट क्या हो गई, क्लोज हो गई। ये लिस्ट क्लोज होने के बाद मुझे आउटपुट में क्या मिलना है, ये वाली चीज़ मिलनी है। तो आउटपुट में जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा जनाब, ये आ जाएगा जो मैंने इनिशियली इन द फॉर्म दिस दिया था, यानी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया था इनवाइटेड कॉमास के अंदर, वो मुझे एज अ इंटीजर लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और सीखते हैं कि जनाब हम इतने बड़े प्रोग्राम को, यानी एक छोटे से काम के लिए मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा है, इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो आपके पास 3 चीज़ें हैं और ये, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट आप विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हैं एक कॉम्पैक्ट कोड में। यहाँ पर मैंने पहले इसको ये कहा कि जनाब मेरी लिस्ट है एम्प्टी, आई आइट्रेशन चलनी है माई स्ट्रिंग पर, और फिर उसको आपने अपेंड करना है। तो इसको मैं शॉर्टकट में यहाँ पर भी कह सकती हूँ कि जनाब एक लिस्ट है जिसके अंदर इंटीजर्स आ रहे हैं फॉर नंबर ऑफ आइट्रेशन आई, और ये हाइड्रेशन आई किसके ऊपर चलाना है, तो उसको बताने के लिए मैंने फॉर लूप लगाया है। ये चल रहा है किस पर जनाब, माई स्ट्रिंग पर। तो हम इन 3 लाइनों को इकट्ठे एक सिंगल लाइन में सम अप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड जो है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका जो है वो आउटपुट भी दे सकते हैं। आप इसको कुछ भी वैल्यू दें, जो कि हमने पहले 1, 2, 3, 4 दिया था। अब यहाँ पर मैं कुछ और वैल्यूज़ दे रही हूँ। ये बिल्कुल वही सेम प्रोग्राम है। ये क्या हो रहा है जनाब, जो मैंने इनपुट इस तरह से दिया था स्ट्रिंग की सूरत में, ये मेरे पास लिस्ट की सूरत में आउटपुट में आ रहा है। अब हम देखते हैं इसका अनदर मेथड, इसका एक और मेथड क्या हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस हियर। यहाँ पर मैंने क्या किया जनाब, एक अदद फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो मुझे लिस्ट है वो मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है। एल इज़ द एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट इनपुट का ये है वो भी क्या है जनाब, यहाँ पर इनपुट की जो ये वाली कमांड है, यानी ये वाली जो चीज़ है जो मैंने अपना फंक्शन डिफाइन किया, ये किस तरह से, ठीक है। तो जब मैं इस पूरे प्रोग्राम को रन करती हूँ तो मेरे स्टेप्स जो है वो स्टार्ट होंगे यहाँ से। So this will be step 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा जनाब, एक L क्रिएट होगा इन द मेन नेम स्पेस, एंड इट विल एलोकेट टू एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, जो कि इस तरह से। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अपने इसको फंक्शन को रन करती हूँ। जब मैं इस फंक्शन को रन करती हूँ तो यहाँ पर था एक एम्प्टी लिस्ट, लेकिन जब मैं फंक्शन के अंदर जाती हूँ तो यहाँ से ये पूरा प्रोग्राम रीडायरेक्ट हो जाता है यहाँ पर।
ये हो जाएगा मेरा स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 से हम इसके अंदर आ गए। इस फंक्शन को हमने सारा कुछ यहाँ पर परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपके पास ये इनपुट है, इनपुट ये आस्क करेगा यूजर से, यूजर ने जो भी इनपुट देना है उसे हम डॉट स्प्लिट करके जो है वो तोड़ देंगे, और तोड़ कर हमने क्या करना है जनाब, वन बाय वन अपनी लिस्ट में अपेंड करना है। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं जनाब यहाँ पर। ये सारी चीज़ें इसी तरह से वर्क करेंगी। प्रिंट में आपके पास क्या आएगा जनाब, जो भी अपेंड हो रहा है वो आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, जो मैंने अपने फंक्शन में लिस्ट डिफाइन किया था वो, और जो मैंने यहाँ पर एल डिफाइन किया था वो, एक्चुअली इन दोनों के नेम डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों सेम सिंगल वेरिएबल यानी सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास नेम स्पेस डिफरेंट हो तो आपको जो है वो एक चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेम स्पेस का डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसको ये भी कर सकते हैं कि जनाब अपने लास्ट के स्टेटमेंट को, चूँकि मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखी है, इन दोनों को हम इकट्ठे एक सिंगल स्टेटमेंट बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर वर्क करेगा। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि प्रिंट में आपने जो है वो एल को जो है वो प्रिंट करना है, और एल जो है वो वर्क करेगा किस पर जनाब, मेरे फंक्शन पर, जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया lst_ इनपुट के नाम से। अब हम देखते हैं अपनी एक और एग्जांपल। यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक अदद पावर का जो है वो कोड बनाया है मैंने, हाउ टू फाइंड आउट द पावर्स। यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक फंक्शन है जो कि मैंने डिफाइन किया POW के नाम से। इसके दो आर्ग्यूमेंट्स मैंने रखे हैं x एंड y। रिटर्न में मुझे चाहिए x की पावर y। ठीक है, यहाँ पर तीन चीज़ें मैं पहले से बता देती हूँ, a, b एंड c। जब मैं a, b और c को डिफाइन करती हूँ तो a, b और c क्या हो जाते हैं जनाब, एक्चुअली मेरे a, b, c जो है वो हो जाते हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। और ये तीनों स्टेप्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की डेफिनेशन है। ये वेरिएबल की डेफिनेशन हो रही है किसमें, मेन नेम स्पेस में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन नेम स्पेस में ये तीनों चीज़ें डिफाइन हो गई। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 में आपके पास जो है वो पावर का फंक्शन चलना है, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स जो मैं दे रही हूँ वो बी एंड सी हैं। तो जब मैं ये बी और सी देती हूँ तो क्या होगा, एक और नेम स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पर मेरा नेम स्पेस बन गया इसके लिए, और यहाँ पर जो बी और सी की वैल्यू थी वो एक्स और वाई में कन्वर्ट हो गई, और दोनों की वैल्यू 3 थी, तो ये 3 की पावर 3 मुझे आउटपुट में कुछ 27 मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी फिफ्थ स्टेप पर। फिफ्थ स्टेप में जब मैं आती हूँ तो मेरे पास जो है जनाब यहाँ पर अगेन पावर का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ ये है कुछ इस तरह से कि ए है और पावर POW1 है। POW1 का हमारे पास आउटपुट जो आया था वो कुछ था 27। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ पर हो जाएगी 27। दिस विल बिकम एक्स एंड दिस विल बिकम वाई। तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है इसके लिए आपका एक अलग नेम स्पेस डिफाइन होगा, और उसमें ये दोनों वैल्यूज होंगी, और फिर 2 की पावर 27 का कुछ ना कुछ आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर अपना एक और जो है वो फंक्शन देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो काफ़ी सारे फंक्शंस को डिफाइन किया है, दैट इज़ एच, जी एंड एफ। तो ये तीनों फंक्शन तो नेम स्पेस, मेन नेम स्पेस में मैंने डिफाइन कर दिया, लेकिन हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा यहाँ से। दिस विल बी माई स्टेप नंबर 1 एंड दिस विल बी माई स्टेप नंबर 2। ठीक है, जब हम स्टेप नंबर 2 पर आएंगे, f of x विल लीड अस टू कम हेयर। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाएंगे। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं कि जनाब यहाँ पर x था और यहाँ पर n की स्टेटमेंट आ रही है, और वैल्यू थी हमारे पास 4। ठीक है, तो हम उस 4 को लेकर चलेंगे। पहले स्टार्ट f जो है वो आपके पास एज इट इज सेम जो है वो प्रिंट का फंक्शन ये चलेगा। फिर हम n की वैल्यू क्या करेंगे, n-1 करेंगे। n-1 आपके पास जो है वो किस डोमेन में डिफाइन हो रहा है, ये f के नेम स्पेस में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, जब हम n-1 कर देंगे,
प्रिंट हमने यहाँ पर करना है एन, कौन सा एन जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा एन आया था, यहाँ पर आया था 4, ठीक है। तो हमारे पास इसके प्रिंट से आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और जो चीज यहाँ पर जी में बनेगी वो क्या बनेगी, 3 बनेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जनाब, जब जी कॉल हो रहा है तो जी पर हम चले जाएंगे, तो जी में जो वैल्यू हमारे पास गई है वो है 3। जी के नेम स्पेस में आपके पास है 3, 3 के अंदर आपके पास क्या है, प्रिंट की स्टेटमेंट है जो कि एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। फिर एच कॉल हो रहा है, एच के अंदर आपके पास क्या आ रहा है जनाब, 3-1 दैट इज 2, यानी एच में आपके पास 2 कॉल हो रहा है। जब हम एच में 2 को कॉल कर रहे हैं तो एच का आपके पास एक अलग नेम स्पेस बन जाएगा और यहाँ पर जो है वो 2 की वैल्यू आ जाएगी। जब हम एच केस में जाते हैं तो आपके पास प्रिंट की स्टेटमेंट तो एज इट इज आ जाएगी, 2 को अगर हम लोग 1/2 कर दें तो ये आपको 0.5 का जो है वो एक आंसर देगा, और दूसरा है आपके पास प्रिंट एन, तो ये प्रिंट होगा और उसके बाद फिर जो है वो इसका प्रिंट, इसका प्रिंट, यानी आपके पास एक मल्टीपल आउटपुट्स आएंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहले जो आपके पास आउटपुट आ रहा है, ये तो था हमारा स्टेप नंबर 1, ये था स्टेप 2, और फिर हम यहाँ से चले गए स्टेप 3 पर, यहाँ से जी का फंक्शन कॉल हो गया, जी के फंक्शन में आपके पास 3 आया। हम यहाँ से चले गए जनाब जी के फंक्शन पर, जी के फंक्शन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर वैल्यू एन की आ रही है 3, तो 3 के साथ ये हो जाएगा जनाब 3-1 इट बिकम्स 2, और यहाँ पर चूंकि एच कॉल हो चुका है अब हम यहाँ से अगेन रीडायरेक्ट हो जाएंगे एच के फंक्शन में, एच के फंक्शन में हम आएंगे, ये हमारा 7th स्टेप हो जाएगा। एच के फंक्शन में हम आते हैं, ये चीज़ें वैसे ही प्रिंट हो जाएंगी, ये आपका सिंपल आउटपुट है। तो एच जो है वो 2 में जा रहा था तो ये आपका पहला आउटपुट आ जाएगा 1/2 दैट विल बी 0.5, फिर आपके पास दूसरा आउटपुट है दैट इज 2। जब हमारे पास ये एच का फंक्शन कम्प्लीट होगा तो हम वापस यहाँ आएंगे, फिर ये चलेगा, ये आपका 8th स्टेप होगा। यहाँ पर इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा 3। फिर हम अगेन यहाँ से, चूंकि ये भी प्रिंट का फंक्शन रन हो चुका है, हम अगेन वापस आएंगे यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 9। इसमें आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, इसमें आपको आउटपुट में मिलेगा 4। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला आउटपुट है 0.5, दूसरा आउटपुट है 2, तीसरा है आपके पास 3, और उसके बाद है 4, और लास्ट में चूंकि ये पूरा रन हो चुका है, यानी फंक्शन f(x) जहाँ से हम गए थे अंदर वो पूरा रन हो चुका है, हम बाहर आते हैं मेन नेम स्पेस में, आखिरी एक कमांड मौजूद है जो कि है प्रिंट, और वो प्रिंट क्या कहता है कि यहाँ पर आपने डन को प्रिंट कर देना है, दैट इज माई लास्ट स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन जो है वो एक दूसरे को कॉल करते हैं, और इस तरह से हम फंक्शन के अंदर जाते हैं, और अगर उसके अंदर मजीद कोई फंक्शन है तो फिर हम उसको कॉल कर लेते हैं, और इस तरह से एंड द लूप गोज ऑन जब तक आप एक के बाद एक सारे फंक्शंस को कवर ना कर लें, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक है, इंशाल्लाह रिकर्जन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो रिकर्जन की सारी चीज़ें मिलेंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।